नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। विकास पहल पर महिला क्रू मेंबर के साथ यौन शोषण का आरोप लगा तो फैंटम कंपनी में उनके पार्टनर रहे अनुराग कश्यप ने भी चुप्पी तोड़ दी। अनुराग कश्यप ने ट्विटर पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और उन्होंने लिखा कि विकास बहल ने उस महिला के साथ जो किया उन्हें इसके बारे में पहले से पता था, बावजूद इसके कंपनी की पॉलिसी के कारण वो इस मामले पर कुछ नहीं कर सके। हालांकि अनुराग कश्यप ने यह भी कहा कि वो ऑफिशियल लेवल पर महिला के लिए कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने पर्सनल लेवल पर जितना हो सका पीड़िता की मदद की। ना ही नहीं, अनुराग कश्यप ने ट्विटर पोस्ट के जरिए पीड़ित महिला से माफी भी मांगी। अनुराग कश्यप ने अपने ट्वीट में बताया कि भले ही वो फैंटम में एक पार्टनर थे, लेकिन उनके पास विकास को हटाने की ताकत नहीं थी। उन्होंने कहा कि फैंटम से जुड़ने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए उन्हें बताया गया था कि उनका पार्टनर और उसकी लीगल टीम कंपनी से जुड़े सारे मामले संभालेगी, जिससे वो अपने काम पर ध्यान दे सके। लेकिन जब महिला क्रू मेंबर के साथ हुई घटना के बारे में उन्हें पता चला तो उन्होंने लीगल टीम को इस बारे में बताया, जिसने उन्हें कहा कि इस मामले पर वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अनुराग ने कहा कि फिर भी उनसे जितना हो सका उन्होंने विकास के खिलाफ कंपनी को एक्शन लेने को मजबूर किया। अपने ट्वीट में अनुराग ने आगे लिखा कि हम अपनी ताकत का इस्तेमाल कर जो कर सकते थे हमने किया। हमने विकास को सस्पेंड किया, उनके कंपनी में आने पर रोक लगा दी, उनकी साइनिंग अथॉरिटी भी छीन ली। इस मामले पर मेरी जिससे भी बात होती उसके सामने मैं विकास की आलोचना करता। इंडस्ट्री में जहां लोग सिर्फ अफवाहों पर ध्यान दे रहे थे, वहीं मैं पहला शख्स था जो इस बात को मीडिया में लेकर आया। बहरहाल अनुराग कश्यप ने पीड़ित महिला से माफी मांगी है। अब देखना होगा इस मामले पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।